भैया हम आ तो गए वेगास में, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ है कि अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। भाई हम सिटी सेंटर भी आए, लेकिन सिटी सेंटर के अंदर भी ऐसी पंक्ति हो गई, एंट्री नहीं हो मिल रही। गार्ड तो भाइयों निकल चुके हैं अपने घर से वेगास के लिए। अपने यहाँ का एक प्रसिद्ध मॉल है तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस के दिन वहाँ पे डेकोरेशन बहुत बढ़िया होती है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी अपने दोस्त के यहाँ पे जा रहे हैं लोकेशन पे, जहाँ पे हमारा टैक्सी करेंगे, टैक्सी से हम जाएंगे मॉल। पीछे मेरा भाई आ रहा है और उसका दोस्त आ रहा है, तो सर डायरेक्ट लोकेशन में मिलते हैं। भैया हमारे साथ तो अभी से ही सीन शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बोला था यहाँ से आने के लिए, हमारे जिम वाले गली से बंदा आ रहा है दूसरे वाली गली से। एक दोस्त तो आ गया है यहाँ पर, वो रहा ओए भोसड़ी के इधर आ। तो जिस बंदे को मैंने बोला यहाँ से आने के लिए, वो यहाँ से आया नहीं। एक बंदा आ गया यहाँ पर, ये रहा मेरा खास दोस्त, आ जाओ बहन के, ये रहा मेरा खास दोस्त। अभी एक और दोस्त आने वाला है, इंतजार करो साले का। मैंने इसको बोला था यहाँ से आने के लिए, ठीक है, बंदा वहाँ से आ रहा है चौक से। अभी तो अब वो तेरे को ढूंढ रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी शोम का कॉल आया, वो बोल रहा वेगास में एंट्री नहीं मिल रही। हाँ बाकी अभी उसका रूल नहीं है, उसका दोस्त गया था, वो बोल रहा था कि वेगास में एंट्री नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? भीड़ ज़्यादा होगी इसलिए। चलो कैंसिल करते हैं। अरे देंगे देखेंगे, वेगास में अगर ना एंट्री मिली तो सिटी सेंटर चल लेंगे, क्या दिक्कत है। जाएंगे ज़रूर, क्रिसमस है। हाँ चलिए, इसको फ़ोन अभिषेक को पता बुला। भैया बज चुके हैं अब शाम के 6, हम आ चुके थे यहाँ पर 5 बजे के करीब। नहीं कह रहा बेटा मरेगा। तो हमारे साथ ये लफड़ा हुआ कि हम ओला बुक कर रहे थे, ओला एक भी नहीं आया, पता नहीं आज ही क्या हो रहा है, भड़क नहीं आया, तो हमें अब रिक्शा करना पड़ा। बहुत मेहरबानी अंकल जी का जो हमें ले जा रहे सेक्टर 14। अंकल जी धन्यवाद। तो आप सीधा जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे वेगास, तो वहाँ पे सैटर मिलते हैं। अबे ऐसे कर ले। आखिरकार हम सारे ट्रैफिक से बाहर निकले, कम से कम आधा घंटा लग गया था ट्रैफिक में। अभी भी ट्रैफिक बहुत लग रहा है, मतलब हम ऐसे मेन रोड पे तो आ गए, अब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। पुलिस वाला भी ट्रैफिक में फंस गया। आप देख रहे होगी इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा पड़ा है, अभी हमारा खुल चुका है। अभी तो चूतिया थी भैया, हम आ तो गए वेगास में, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ है कि अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। वेगास हमारा ठीक पीछे है, ये देख रहे हो वेगास, और भीड़ देखो भाई साहब, अभी भी इन लोगों को एंट्री नहीं मिल रही, और कई सारी भीड़ आ रही है। ठीक है थोड़ा दूर चले जाए, तो अंदर पुलिस भी आ चुकी, पुलिस की जीप भी आ चुकी, पुलिस की जीप भी आ गई। अब भीड़ संभल नहीं रही लोगों से, अंदर एंट्री नहीं है। अब देखो क्या करना, आप शायद सिटी सेंटर जाए, ये तो बोल रहे कल आने को, अब सिटी सेंटर जाना पड़ेगा। तो यार अभी इतना दूर आया भाई, हालत ख़राब हो गया, दिमाग आधा घंटा लग गया हमें 25 फुट्टा पे, आधा घंटा। अब इधर से थोड़ा 10 मिनट के रास्ते में एक और है सिटी सेंटर नाम का, अब उधर जाएंगे शायद। तो चलो अब सिटी सेंटर चलते हैं। तो भाई यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, क्या ही बोल सकते हैं, एंट्री तो मिलेगी नहीं, लेकिन ये जो अंदर सजावट कर रखी है, ये दिख रहा होगा आपको क्रिसमस ट्री, बहुत अच्छी सजावट कर रखी है बंदों ने, वेगास वालों ने। आ तो लगता है वेगास वालों का थूक कम पड़ जाएगा नोट गिनने के लिए, इतनी भीड़। एक और ब्लॉगर हमारा दोस्त, इसको सब्सक्राइब कर देना। अरे रे 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 भाई साहब, ज़्यादा भीड़ खत्म नहीं हो रही, ऐसे लग रहा है पूरे पॉपुलेशन यहाँ पर आके रुकी है। भाई वेगास में तो भीड़ थी, इसलिए हम अब सिटी सेंटर आए थे। चलो सिटी सेंटर में तो लगभग भीड़ नहीं है, हम सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं। पहुँचते ही भाई हमें क्या दिखा, साले बहन तो रील्स वाले रील्स बना रहे हैं यहाँ पर, वक्त इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अब रही वेगास, अब तो आ गए सिटी सेंटर। ओ भाई यहाँ पे बैलून वाला,
चढ़ेगा नहीं, बच्चों के लिए है, हम कूदेंगे फट जाएगा। अब हम अंदर जाएंगे, पहले तो अंदर जाएंगे, खाएंगे, खाने ऑर्डर करके आते हैं। यहाँ पे भी भीड़ है, मतलब कहने को तो है भीड़, यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पे भी अंदर जाना है ना, अंदर जाना, अंदर तो जाना ही है, ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भी आज तो, लग नहीं रहा कुछ हो पाएगा। अभी हम अंदर जाके करते, क्या पता हमारा कोई फ़ोन खींच ले, हमारा फ़ोन खींच ले, इसे फ़ोन अभी बंद कर रहे हैं, अंदर जाने के बाद ही कैमरा ऑन करेंगे। चलो भाई, भाई हम सिटी सेंटर भी आए, लेकिन सिटी सेंटर के अंदर भी ऐसी पंती हो गई, एंट्री नहीं हो मिल रही गार्ड। यहाँ पे तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तब भी एंट्री नहीं दे रहे लोग, पता नहीं क्या सिस्टम है, पता नहीं क्या सिस्टम हो गया। अब चलो भाई, अब घर की ओर ही चलते हैं, अब जो मिलेगा ठेरी पे वही खा लेंगे, क्योंकि अंदर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यार आज क्रिसमस हमारा ऐसे ही चला गया फालतू में, पैर में वैसे ही दर्द हो रहा है, क्योंकि आज हमने जिम में लेग डे था तो लेग मारा। तो अभी हम जा ही रहे हैं ठेले पे खाएंगे, और कहाँ पे अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर एंट्री हो जाने ही नहीं दे रहे, तो भाई हम खाएंगे क्या अंदर। तो चलो मिलते हैं आप डायरेक्ट घर पे ही, देखते हैं, या बीच में कुछ हो जाते हैं बनती तो वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अभी मूड नहीं कर रहा अभी मेरा वीडियो बनाने का, मन कर रहा है सीधा घर जा के ही बनाऊँ वीडियो। तो चलो चलते हैं फिर। तो दोस्तों, वेगास ने तो हमें बहुत वो दिया, क्या बोले, दुख दिया, लेकिन क्या बोले, जो होते हैं ना फुटपाथ पे रेहड़ी वाले, मतलब जो बनाते हैं फूड बनाते हैं, उन्होंने भाई दिल खुश कर दिया, पेट भरने के लिए खाना दिया, चलो अच्छी बात है, वो भी पैसे में दिया, कोई फ्री में तो नहीं दिया, नहीं कम से कम खा तो लिया। वेगास में एंट्री नहीं मिला तो क्या हुआ, बाहर खा लिया, चलो हमारा वैसे पैसा बर्बाद नहीं हुआ, फालतू का हम सोचे कि हमारा खामा का पैसा बर्बाद चल गया अपने घर से यहाँ आने का, क्योंकि वेगास में एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा, खा लिया पेट भर के, अब जाएंगे घर। अभी मेरा एक दोस्त है, पता नहीं यार इतना खा लिया, साढ़े का पेट नहीं भरा, ये बैठ कर इतना जो है ना, साले का पेट नहीं भरा, अभी पेट नहीं भरा साढ़े का, अभी और खाएगा ये। तो अब देखो भाई, और खिला रहा है तो खिलाएगा ये बंदा। मैं नहीं खिला रहा, मैं पैसे दिए हैं, अब तुम खिलाओगे, तो पहले पैसे दिए चले। हाँ, तो अब सीधा घर पे मिलेंगे, बीच में ना ही हम ब्लॉग बनाएंगे ना कुछ किया गया, हमारे साथ कुछ हुआ नहीं ऐसा, तो अब सीधा घर पे मिलेंगे, तो बाय। हाँ तो भैया पहुँच गए घर, हालत हो गई बहुत ख़राब, क्योंकि हम गए तो सारा सिचुएशन तो बता दिया वीडियो में, लेकिन तो घर आ गए, अब राहत मिली है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तो बाय। यार हालत सेम बहुत ख़राब हो गई।